नमस्कार देश विदेश सहित तो विकास बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे देखिनबा कोन रहिछि हेडलाइंस। अफगानिस्तान रे फसिथिबा भारतीयों को उद्धार पई चालिछि जोरसोरे प्रयास। प्रत्यावर्तन पई 6टी स्वतंत्र विमान और अन्य देशर निया जाउछि सहायता। अफगानवासी को पई जारी हला 6 मासिया जरूरी ई वीजा। भारतीयों को सुरक्षा पई समस्त पदक्षेप निया जाउथिबा कहिले एमईए मुखपात्र अरिंदम बागची। काबुल रे पुणी विस्फोरण रो आशंका। पुणी विस्फोरण करि पारे आईएसआईएस के विमान बंदर विस्फोरण घटना रे मृत्यु संख्या पहुंचिला 100 से पटे। बाइडेन कहले दोषी को खोजी खोजी मरा जीव। आक्रमण को भारत रो कड़ा निंदा। टारगेट हासिल करबा दिगरे बढ़ुची देश। शुक्रवार देश रे सर्वकालीन रेकर्ड 93 लाख टीकाकरण। ट्वीट करी देशवासी को शुभेच्छा जणाइले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। नुआ रूपरे जालियानावाला बाग मेमोरियाल। स्वाधीनता संग्राम 102 वर्ष तलर इतिहास नवकलेबर। आसंता उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुआल रे सामिल हेबे स्वाधीनता संग्रामी परिवार सह 4 राज्यर मुख्यमंत्री। एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें खुलीगला सत। डीएफओ खेल खत्म। भाइराल ऑडियो रे क्राइमब्रांचर तदंतकारी अधिकारी कहते निर्देश आसिले तदंत हो। प्रश्न किए से निर्देशक। मृत्युकालीन जमानबंदी डीएफओ थिले उपस्थित कहिले आयो। कहा निर्देश रे तदंत करिवो एबे क्राइमब्रांच। आईन मंत्री प्रताप जेना मंत्रिमंडल बहिष्कार जोर धरला दाबी। इस्तफा नदे विधानसभा हेब प्रतिवाद। सेपटे मंत्री सह पीए बापी विश्वाल मोबाइल कॉल रिकॉर्ड जांच कांग्रेस दाबी। जवाब रखिला बीजेपी। आसंता ढेंकानाल कॉमन यूजर फैसिलिटेटर तैल डिपोर भूमिपूजा। जोगदेव केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी। 395 कोटी टंकार पुंजनिवेश। स्टोरेज क्षमता रिश्हजार किलोलीटर। आसवा संपूर्ण खबर को। अफगानिस्तान में फसी रही भारतीय और अफगानवासी को उद्धार कार्य जारी रही। 6टी स्वतंत्र विमान में एपर्यंत 550 रु अधिक लोक भारत अणा जा सारी। एम 260 जन भारतीय रही। भारतीय मानू से फेर आई अगर देश मान सहायता नि एने केन्द्र वैदेशिक मंत्रालय पक्षर प्रेसमिट रे सूचना दी जाए। वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र अरिंदम बागची प्रेसमिट कर अनेक भारतीय सेठार फेर को चाहती। अफगानवासी भारत को आसवापी भिजापी नवेदन करतमान 6 मसीहा जरूरी कालीन ई भिजा जारी कर स्थित समीक्षा कर वैदेशिक मंत्रालय पक्ष पदक्षेप निया से कहते। Let me begin with the evacuation because I know a lot of queries you may be having on that. We have been sharing with you details of every evacuation flight. We've been putting out publicly details of who's on the flight, how many Indian nationals we've been. I think we have evacuated more than 550 people. There were, I think, 6 separate flights, either directly from Kabul or through Dushanbe. Of these, more than 260 were Indian nationals. Apart from, and I mean, this does not include the Indian embassy personnel who have also been repatriated and brought out from Afghanistan. Separately, Government of India also facilitated the evacuation of Indian nationals through other agencies, I mean, other countries and partners. So that just gives you a sense of what the evacuation efforts have been. Of course, in this evacuation process, we were in touch with various countries, particularly, of course, the United States, which is controlling Kabul airport, as you mentioned, in Dushanbe, the government there, plus our military flights overflew certain countries, such as Iran. So, of course, that kind of coordination also happened, I would say, even Uzbekistan. तबे अफगानिस्तान में फसी रही भारतीय मानू उद्धार करने कि वैदेशिक मंत्रालय पक्षर जोरसोर उद्यम चली आज प्रेसमिट। प्रेसमिट्रे वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र अरिंदम बागची अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण सूचना देते। भारत अन्य देश मान सहित जोगाजोग करुछि। सेठारे थिबा भारतीय मानू किभ फेर अणा जा सहित
अन्य देश को जिबाको चाहुतबा किबा भारत को आसबा को चाहुतबा अफगान नागरिक मानुकु किबोली सहायता प्रदान करा जाय परबो से दिगरे मध्य पदक्षेप निया जाउची जा वर्तमान नो अपडेट रहिची जे 6 मासिया जरूरी कालीन ई वीजा फैसिलिटी भारत सरकार पक्षरु व्यवस्था करा जायची जहा माध्यम रे जो माने अफगान रु भारत आसबा को चाहुचोंते से माने ई 6 मासिया जरूरी कालीन वीजा माध्यम रे आसी परबे ता सहित 6टी स्वतंत्र विमान रे ए पर्यंत 550 रु अधिक लोक को भारत अणा जाय सारी से अधिक आलोचना करवा हम सहित फोन लाइन ने जोड़ी जाइछंती पूर्वतन सेना अधिकारी तथा प्रतिरक्षा विशेषज्ञ कर्नेल बीके बस्तिया सहित बस्तिया आपन को स्वागत करूची अफगानिस्तान ने वर्तमान जो भाई स्थिति रही खास कर काबुल एयरपोर्ट रे जो समस्त फोकस थिला एवं सेठी विस्फोरण घटिला तापर सबुठारु बड़ कथा हला लोक मानको सुरक्षा गोटेपटे आतंकी हाथ में एक देश और सेठारु भारतीय माने केमती सुरक्षित फेरबे तथा अफगानवासी जो माने चाहूचंती देश बाहर को जीवापाई की तांको सुरक्षा इथि अमेरिकार भूमिका को आपण केम देखुचंती एवं भारत केउ पदक्षेप नेबा कथा देखंतु जदि हमें अमेरिका कथा कहिबा अमेरिकार आपण जानचंती काली जो ब्लास्ट हला परे सीरियल ब्लास्ट परे अमेरिका भी बर्तन पूरा हली जायछि आउ माने जहा जो थरे के 13 जन तांकर मैरिन कमांडोज करबी डेथ हिट अछि तेरे तनो से अमेरिका वर्तमान ऑलरेडी डिक्लेअर कर सैलेनी जे से माने खोजी करी ता पई जे दाई आईएस केपी जोटा इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस जहार मुख्य हला इस्माइल फारूकी से ताको जेमते हेले ताको खोजी करी मारिबे से माने तार प्रतिशोध नेबे से तनो अमेरिका तनो ता संगरे अमेरिका कहिछे से माने सुरक्षा देबे जति कि तांकर फोर्स अछन्ती वर्तमान केवल अमेरिका ने तेरे नाटो फोर्सेस भी अच्छा इके भी अच्छा यूनाइटेड किंगडम फोर्सेस अच्छा तेणु से माने वर्तमान बहुत स्पीड अप करिछन शीघ्र शीघ्र इवाकुएट करने सब जो नागरिक मानते जो मैंने सब साय कर अफगानी जो मैंने जहाँ को भिजा दे सब करने भारतीय भितर प्राय जो भारतीय मैंने आमर से कम करुले सब जमी आप कहले 550 जन को इवाकुएट करा सर किंतु भारतर अन्य केत जन एपर्यंत फसी जो मैंने टाइमली एयरपोर्ट को आसी पार नथले से माने को को जगह फसी जमी कि इनफर्मेसन आसूला 140 जन जो मैंने अफगानी हिंदू आउ शिख जो मैंने आसवा चेषा करते अटकई देखने दौना तालिबान मैंने सेमती को को जगह फसी भारत सरकार बर्तन बहुत जोर सोर से लगी उद्धार करने वर्कआउट करने जदि एपर्यंत कौन भारतीय को किसी क्षति घटी ना तालिबान कौन प्रकार क्षति घटापी देना तो आशा कर भारत सरकार जो चेष्टा चलती निश्चित भाव में सबू भारतीय को फेर आणवे तेनाली बर्तमान आमर जमी मझे बंद होता एयर इंडिया सिविलियन एयरक्राफ्ट पुणी अपरेट कराई आली घटना बंद कर दिया बर्तन खुब जोर सोर से पुणी इवाकुएसन चली बर्तन के भारतीय है ठीक से मुझारिनी से एकठी करापर ताजिकिस्तान पर्यंत एयरक्राफ्ट नहीं अपेक्षा करते रेडी होती ताजिकिस्तान नु फ्लाइट जा इंडियन एयरफोर्स हो किंबा एयर इंडिया बर्तन तो एयर इंडिया भी अलाउ कराई ना जेनराली जिते खूब जोर सोर से प्रॉब्लम चली 4-5 दिन तले से केवल इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जा सब आणुला तेणु आशा जे भारतीय मैंने सब फेरी आसबे इवेन अमेरिका भी जो डेडलाइन दी अमेरिका जो एपर्यंत से बढ़े ना 31 अगस्त पर्यंत जहां आशा करा हुई जो रेट रे काली देखु बम ब्लास्ट सदे भी 5000 नागरिक को अमेरिका इवाकुएट कर तेणु से मैंने बोधे कम्प्लीट करेंगे अन्य देश मैंने बोधे कम्प्लीट करेंगे ओके कर्नल बास्तिया विशेषकर मुझे जानवाक चाहिए जेहेतु आप प्रतिरक्षा विशेषज्ञ आपणकर आकलन कौन कहे आग को कौन हम कारण एक देश तालिबान हाथ को चली जा जो अमेरिका तालिबान को रोक रखिता तार सेना शहीद होती एटी भारत प्रति एक विपद आशंका करा जाउची जेहेतु आईएसआईएस किंबा तालिबान सहित पाकिस्तान रो आईएसआई रो भलो संपर्क रहितबा आने की चर्चा होउची आगु को परिस्थिति कोन होई पारे देखंतु अमेरिका केपे आशा करिन थला जे काली भलिया जो ब्लास्ट हबो जो थरे से माने 13 जन तांकर सैन्य हरैबे से जदिओ तांको गोटे दिन पूर्व 24 घंटा पूर्व इंटेलिजेंस मिलिथिला इन्फॉर्मेशन मिलि जाइथिला कि कोनसी प्रकार अघटन घटिबो
କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଲିବାନ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କମିଟ୍ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ତାଲିବାନ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା, ତାଲିବାନ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ବି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପ ଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବୁନି, କରିବି ନଥିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା, ଛୋଟମୋଟ କୋଉଠି ଗୁଳି ମାଡ଼ ମାନେ କରିଥିଲେ, ନହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ପରେ ସେମାନେ ହଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଆମେରିକା ତାର ପ୍ଲାନ କାହାକୁ ଆଗରୁ ଜଣାଇନି, ତେଣୁ ଆମେରିକା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ କରିବେ, ଯେମିତି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନକୁ ଖୋଜିକି ମାରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାରୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି, ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ISKP ର ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚିଛି କି କୋଉଠି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଖାସ କରି କାବୁଲରେ କେବଳ ତାଲିବାନ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଛୋଟ ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ତାଲିବାନଠୁ ବି ଆହୁରି ଖତରନାକ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ISIS ଖୁରାସାନ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ସେ ଅଛନ୍ତି, ହକାନି ନେଟୱାର୍କ ସେଠି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ହକାନିର ହେଡ୍ ଯିଏ ଖଲିଲ ହକାନି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଲିବାନ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି କାବୁଲର, ଏଣ୍ଟାୟର କାବୁଲର ସିକ୍ୟୁରିଟି ତା ହାତରେ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକଳନ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମେରିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିକେ ବସ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ, ଭୟରେ ଥରର ହେଉଛି ପୁରା ଦେଶ, ସିରିଜ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରୁଛି ଆଫଗାନ। ଗତକାଲି ସିରିଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଳିନି ଭୟ, ପୁଣି ଥରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ISISKର ହାତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିସାରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣର ଆଶଙ୍କା, ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ISISKର ହାତ, ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମରାଯିବ କହିଲେ ଜୋ ବାଇଡେନ, ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା। ଗୁରୁବାର କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 75ରେ, 170 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଓ 28 ଜଣ ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ବୋଲି କହିବାର ଠିକ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଲିବାନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ISISK ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପୁଣି ଆଗକୁ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କାବୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉଛି ଓ ଏହା ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। Regarding the resurgence of attacks, look, I wouldn't like to speculate as to what or who this is. We have issued a statement condemning this and conveying our condolences to the families of the victims as well as those injured. We are in touch with various countries and partners. You've seen conversations that have happened at the Prime Minister level, at the External Affairs Minister's level, our Foreign Secretary and other officials. So that, of course, this is a matter of concern, and that this kind of security situation has happened there. And we will, I think we will continue to be closely in touch with all our partners on this issue. ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖି ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୋ ବାଇଡେନ। ଏହା ସହିତ ବାଇଡେନ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। No one trusts them. We're just counting on their self-interest to continue to generate their activities.
There is no evidence thus far that I've been given as a consequence by any of our commanders in the field that there has been collusion between the Taliban and ISIS in carrying out what happened today, both in front of the hotel and what is expected to continue for beyond today. Bureau report, Argus News. टारगेट हासिल करिबा दिगरे बढ़ुची देश कोरोना विरुद्ध लड़ाई रे जोरदार करिबा पई वैक्सीनेशन को आहुरी वृद्धि करा जायछि। ए धारा रे शुक्रवार देश रे सर्वकालीन रिकॉर्ड 93 लाख टीकाकरण होईछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडव्य ट्वीट करी एही सूचना दैछन्ती। या सहित से ट्वीट करी केंद्र मंत्री देशवासी को शुभेच्छा मध्य जणाइछन्ती। सेपटे देश रे टीकाकरण 62 कोटी अतिक्रम करिनिथिबा सूचना मध्य रहैछि। शिशुंक पई घातक साजुचि कोरोना भाइरस। गोटे दिन रे एससीबी रे 2 आक्रांत शिशुंकर मृत्यु घटिछि, जहा बे राज्य पई चिंतार कारण पलटिछि। तृतीय लहर रे शिशुंक पई बड विपद थिबारु केमिति मुकाबला करिवे राज्य सरकार, ताहा एबे बड प्रश्न। अनपटे पार्वण रे बढी पारे संक्रमण, तेणु सतर्क रहिबाकु चेताइछन्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ। याकु दृष्टि रखी पूजा पई स्वतंत्र गाइडलाइन जारी हेबा। शिशुंक प्रति बढ़ुची कोरोना विपद। गोटे दिन में एससीबी रे 2 आक्रांत शिशुंक मृत्यु। प्रस्तुत अछंति तो राज्य सरकार, सजोड़ा होइछि तो भित्तिभूमि। गत गोटे सप्ताह रे 18 वर्ष बयस भितरे चिन्हट होइथिबा पॉजिटिव केस उपरे नजर पकातु। मे 20 रे 116, मे 21 रे 100, मे 22 रे 101, मे 23 रे 80, मे 24 रे 131, मे 25 रे 130, मे 26 रे 106। गत 7 दिन भितर राज्य रे अधिकांश दिन रे शिशु संक्रमण रो ग्राफ 100 उपरे रहिछि। एभले स्थिति रे आज मयूरभंज रो 5 मास रो शिशु ओ कटक जिला रो 12 दिन रो शिशु मृत्यु कोरोना रे शिशुंक प्रति थिबा विपद आशंका को बढ़ाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार कोहड़ जोगु गुरुतर थिबा एही दुई शिशु को कटक एसबी मेडिकल रे भर्ती करा जायथिला। अन्य पक्षरे मेडिकल अधीक्षक कहिछन्ती दुई शिशुंक कोविड जनित मृत्यु को अनुधान करा जाउछे। माने जो मृत्यु होइछन्ती से माने तो गुरुतर होइकरि आसीथिले, कोविड पॉजिटिव बाहरी थिला, किंतु कोविड जनित मृत्यु को नै सेटा डाक्टर माने एपंत तांकर डेथ डिक्लेयर फॉर्म रे सेटा मु एग्जैक्टली त कहि परिबिनी, किंतु कोविड थिला ता संगे अन्यन्य अनुसंगिक भी थिला डिजीज। सबडे पार्वणर आगमन कोरोना संक्रमण नहीं चिंता बढ़ाई। तृतीय लहर में शिशुंक प्रति विपद सह अधिक संक्रमण आशंका थिबारु पूजा पाई कड़ाकड़ी निर्देशावली जारी करा जाई पारे। सर्विलांस और कंटाक्ट ट्रेसिंग को गुरुत्व दिया सह राज्यर स्थिति उपरे नजर रखा जाइथिबा कहिछन्ति स्वास्थ्य निर्देशक। तबे मोटा शिशुंक प्रति अधिक विपद रहिछि बोली सतर्क कराइछन्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ। ना भारत सरकार तरफ दिया जाइछि जे पार्वण टाइम रे आमे आमर कोळ कटकणा जारी रखिबा दरकार, सोशल डिस्टेंसिंग जा अछि ताको मानिबा दरकार। तेणु सरकार तरफ निश्चय भारत सरकार गाइडलाइन अछि, सरकार इनपुट नौछन्ति ता भितर देबे, सरकार गाइडलाइन देबे। आमे माने भलो भाबरे जानिछन्ति आमर सोशल डिस्टेंसिंग इज ए मेजर फैक्टर, कांग्रीगेशन आमे करिबा नै सेटा गोटे मेजर फैक्टर। ऑल टाइप ऑफ गैदरिंग्स ऊपर हमको पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखियो पड़िबो, किंतु सर कोचेंते हॉस्पिटलाइजेशन द संभावना से मानकर पिला का केस रे बहुत कम 0.2 टू 1.9, माने हजार पिला के भीतर जदि पॉजिटिव आसन 2 रु 19 जन एडमिशन लेबे, और डेथ रे एनीथिंग बिटवीन 0 टू 0.03, माने 10,000 रे 3 जन कर डेथ हो। सरकारी तथ्य अनुसार 2020 रे कोविड जोगु 18 वर्ष बयस भितरे समुदाय 13 जणक मृत्यु होइथिबा बेले 2021 रे अगस्त 16 सुधा 23 जणक मृत्यु होइछि। पूर्वरो सतर्क नहले आगको स्थिति भयावह होइपारे बोली आशंका करा जाउछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन को सह रोशन रथ और कटकरु इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस। केन्द्र सरकार तरफ आज उद्घाटित हो जाए 2 वर्चुअल एग्जीबिशन। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में देशव्यापी पालित होता आजादी की अमृत महोत्सव अंशविशेष होईट वर्चुअल प्रदर्शनी। प्रथम प्रदर्शनी ना रही मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और द्वितीयटी ना रही चित्रांजलि एट द रेट 75।
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक ई फोटो प्रदर्शनी होता बेले द्वितीयटी एक पोस्टर प्रदर्शनी यह प्रदर्शनी को उद्घाटन करिसेंते केंद्र सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर एवं पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भारत संविधान बाबदे पर पीढ़ी को सचेतन करवा और विगत 75 वर्ष मध्य भारत स्वाधीनता आंदोलन इतिहास और देश प्रेम को नहीं जो सिनेमा प्रस्तुत हो बाबदे सूचना देवा ई प्रदर्शनी उद्देश्य हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोग्राम को भी चलाएंगे ताकि देश के सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रमों को किया जाए कि आज के युवा हमारी युवा पीढ़ी उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके डिबेट भी कर सके उसको आगे ले जाने का काम भी कर सके क्योंकि हम सबका यह प्रयास भी होना चाहिए कि जिन सिद्धांतों और विचारों के साथ इसको बनाया गया था हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान को और उसमें जो उल्लेख किए गए हैं उनको भी रक्षित करें प्रचार करें उन सिद्धांत और विचारों को आत्मसात करने का काम भी करें एणिकी आईनजीवी माने जदि कोनोसी युक्तियुक्त कारण न थाए आंदोलन में शामिल हुंती बा कोर्ट बर्जन भली कार्य में लिप्त रुहंती ताले सेमानके होई पारंती श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान सम्मुखीन जो आईनजीवी माने विभिन्न समय कोनोसी आंदोलन में शामिल होउछंती बा कोर्ट बर्जन करुछंती सेमानक पाई एक नियमावली प्रस्तुत करिवो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ए विषय रे सुप्रीम कोर्ट को सूचना देछि बार काउंसिल आईनजीवी माने आंदोलन में शामिल हेबा बा आंदोलन करबा एवं कोनोसी प्रसंग को नहीं कोर्ट बर्जन करबा द्वारा कोर्ट कार्य रे व्याघत सृष्टि होउछ एथिपई माननीय सुप्रीम कोर्ट निज आडु ए समस्यार समाधान पई जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह एवं जस्टिस एम आर शाह को नहीं एक बेंच गठन करथिले बेंच निकट रे जवाब रखी एही सूचना देछन्ते बार काउंसिल ऑफ इंडिया रो चेयरमैन मनन कुमार मिश्र सबु राज्यर बार काउंसिल को ए बाबद्रे मध्ये नियमावली प्रणयन पई निर्देश दिया जाइछि बोली सुप्रीम कोर्ट रु सूचना देछि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई रो ई पदक्षेप उपरे खुशी व्यक्त करिसेंते सुप्रीम कोर्ट बेंच भारतीय वैज्ञानिकक जुगांतकारी आविष्कार भारतीय गवेषक तथा पदार्थ विज्ञानी माने मिलित भावरे महाकाशरे थिबा तीनोटी ब्लैक होल बा कृष्ण गर्त आविष्कार करिबारे सफल होइचंती सेही तीनोटी सुपर मासिव बा अधिक वस्तुत्व थिबा ब्लैक होल परस्परर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित होई एकाठी मिसिबा प्रक्रिया रे रहिचंती एहा परे सेही तीनोटी ब्लैक होल जेउ अवस्था रे पहुचिबे ताकु ब्रह्मांड विज्ञान बा कॉस्मोलॉजी रे ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोली कहा जाय ए बाबद रे आज एक प्रेस विज्ञप्ति जरिया रे प्रकाश करिछि भारत सरकारक विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्रालय कर्नाटक रे थिबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रो एक गवेषक टीम पेरिस रो एक गवेषक टीम सह मिसि ए बाबद रे गवेषणा करि आसुथिले जेउथरे एबे सफलता मिलिछि अधिक वस्तुत्व युक्त ब्लैक होल गुडीक महाकाश रे ठाब करबा साधारणत कष्टकर होइथाय कारण एगुडीक कोनोसी प्रकार आलोक विच्छुरण करि नथान्ति मात्र निकटवर्ती विभिन्न आकाशीय पिंडर गतिविधि को लक्ष्य करी सेगुड़ी को आविष्कार करा जाई थाए जहाँ एक बहुत जटिल प्रक्रिया एवं एथिरे सफल होइछंती भारतीय पदार्थ विज्ञानी माने एही तीनोटी ब्लैक होल रो ना रहिछि NGC 7733 NGC 7734 एवं NGC 773N कटक सालेपुर विडीओ को क्यों प्रकार मानविकता आउ जने प्रशासनिक अधिकारी भावे क्यों भलिया नीति ताकु नहीं एवं साधारण लोके उठाई प्रश्न घटनाटी होइछि सालेपुर पुरुषोत्तमपुर गाँवर असहाय आदिवासी 70 वर्षीय वृद्धा निकिमा सिंह सहित गत 23 तारीख में सिसुआ निकट एक रास्ता कड़े निकिमा जाऊ हठात रास्त अचेत हो पड़ते स्थानीय किसी स्वेच्छासेवी युवक मैंने उद्धार कर सालेपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करते निकिमा अवस्था नहीं सालेपुर विडीओ को जोगाजोग कर गोटे दिन पर डाक्तरखाना पहुंची विडीओ सब बुझापे गणमाध्यम आगे निकिमा अवस्था देखी दुख प्रकाश करने कौन वृद्धाश्रम थैथान करते निकिमा सुस्थ होवार 4 दिन हो गला मेडिकाल सेमती अच्छा ना विडीओ देखा अच्छी ना से अधिकारी मानक देखा अच्छे निकिमा को नहीं मेडिकाल कर्तृपक्ष चिंतार अच्छा शुणु से दिन कौन कही डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन लेडी एडमिट अच्छा हॉस्पिटल रे मुझे देखा आसती भी सो से रिकवर करगले सेलाइन भी चली स्वास्थ्य अवस्था भल अच्छे तो मुझे जिला ऑफिस रे डीएसएसओ सहित कथी आम बर्तमान अरेंज करें ओल्ड एज होम रिहैबिलिटेट कर बाबद केयर नबू।